हेलो क्लास, आज हम आपको नया चैप्टर कराने जा रहे हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मीन्स क्या होता है? जैव विविधता। ठीक है, जैव विविधता होती क्या है? अगर हम नॉर्मली कहें तो जितनी भी वेरिएशन पाई जाती है किसी भी एनिमल या किसी भी प्लांट में, ठीक है, वो सारी चीज़ें क्या कहलाती है? जैव विविधता के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो प्लांट हो या एनिमल हो, कोई भी अगर प्लांट है उसमें बहुत सारी वेरिएशन पाई जाती है या विविधताएं पाई जाती है। चाहे एनिमल हो, एनिमल में भी क्या है? विविध प्रकार की विविधता पाई जाती है। ठीक है, इन विविधताओं के कारण ही कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या होता है? डिफरेंट टाइप का होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में आती है। डाइवर्सिटी मीन्स होता है डिफ्रेंसिएशन या वेरिएशन या विविधता कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, अब इसके बाद जो आता है क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन के अंतर्गत क्या होता है? क्लासिफिकेशन में हिंदी में हम बोलते हैं इसको वर्गीकरण। ठीक है, क्या कहा जाता है? वर्गीकरण कहा जाता है। वर्गीकरण का मीन्स क्या होता है? किस तरीके से हम किसी चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं, किस तरीके से उस चीज़ को हम पूरा एक्सप्लोर कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं या बता रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके कारण हम किसी भी एनिमल हो या प्लांट हो, किसी भी चीज़ का हम आसानी से वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे इसमें जो हमारा इस तरीके से सीक्वेंस चलता है, जैसे किंगडम, किंगडम के बाद हमारा आता है सब किंगडम आता है। ठीक है, अगर किसी में सब किंगडम नहीं है तो वहाँ पास फाइलम आ जाता है। फाइलम, फाइलम के बाद आता है हमारा क्लास, क्लास के बाद आता है हमारा ऑर्डर, ऑर्डर के बाद ऑर्डर, फिर हमारी आती है फैमिली, फैमिली के बाद हमारी आती है स्पीसीज, जीनस आता है पहले, और जीनस के बाद लास्ट में आती है स्पीसीज। ठीक है, तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन किया जाता है। किंगडम का मीन्स क्या होता है? किंगडम मतलब राज्य, मतलब ये समझिए कि ये किस किंगडम से संबंधित है। किंगडम में आता है अगर वो एनिमल है या प्लांट है। अगर वो एनिमल है तो एनिमल में किंगडम में क्या आएगा? हमारा एनिमेलिया आएगा। एनिमेलिया मतलब जंतु। ठीक है, अगर यही प्लांट में आएगा तो वो प्लांटी कहलाता है। ठीक है, क्या है? एनिमल या एनिमेलिया। ठीक, अगर प्लांट है तो वो क्या होगा? प्लांटी में आ जाएगा। ठीक है, मीन्स जितने भी ये किस किंगडम से संबंधित है, या प्लांट होगा या एनिमल होगा, क्योंकि जितने भी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी क्या होते हैं? एक एनिमल ही तो होते हैं, है ना। ठीक है, तो यहाँ पास किंगडम और जो हमारा किंगडम पे एनिमेलिया और प्लांटी आता है। फाइलम का मतलब क्या होता है? जो संघ होता है। ठीक है, संघ हिंदी में हम क्या कहते हैं? इसको संघ कहते हैं। ठीक है, तो फाइलम का मतलब क्या होता है? वो किस संघ से संबंधित है। मीन्स अगर हम प्रोटोजोआ मान लीजिए कहें तो इसके अंतर्गत अमीबा आपने नाम सुना होगा, पैरामीशियम सुना होगा, युगलिना सुना होगा, प्लाज्मेडियम है, बहुत सारे ऐसे हैं। तो हर एक का फाइलम होता है। चाहे हम अगर हम बिच्छू की बात करें, ठीक है, या हम जितने भी लिविंग थिंग जैसे ह्यूमन बींग्स हैं उनकी बात करें, तो सभी में फाइलम अलग अलग पाया जाता है। अगर हम बिच्छू की बात करें तो वो आर्थ्रोपोडा से संबंधित है। क्यों आर्थ्रोपोडा से संबंधित है? आर्थ्रोपोडा संघ जो होता है, क्यों? क्योंकि उसमें दो जोड़ी या दो से अधिक जोड़ी लेग पाए जाते हैं, पैर पाए जाते हैं। ठीक है, बिच्छू की हम बात कर रहे हैं तो किसने दो जोड़ी पाए जाते हैं या दो से अधिक पाए जाते हैं। अगर हम धनुरे की बात करें तो उसमें कितने होते हैं? 52, है ना। तो इस तरीके से सब में अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो वो जितने भी इस तरीके से हैं, जिसके जैसे ऑक्टोपस हुआ, ऑक्टोपस, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो फाइलम से संबंधित होती है या संघ से संबंधित होती है। ठीक, उसके बाद उसको किस क्लास में रखा गया है? क्लास मतलब होता है वर्ग। ठीक है, सभी का क्या होता है? वर्ग होता है। ठीक है, किस वर्ग से संबंधित है? ठीक है, जैसे हम लोग की बात करें, अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें, मनुष्य की बात करें, तो क्या है? मैमल्स होता है। ठीक है, मैमेलिया में रखा गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, उसमें जो मिल्क ग्लैंड जो होती है वो पाई जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, तो इस तरीके से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है ऑर्डर। ठीक है, किस तरीके से एक ऑर्डर में उसको रखा गया है? ठीक है, ऑर्डर को बोलते हैं गण, हिंदी में बोलते हैं गण। ठीक, तो ये ऑर्डर होता है, किस ऑर्डर में उसको रखा गया है। अगर हम किसी भी चीज़ का, चाहे जो भी हो,
क्योंकि ये सब साइंटिस्टों ने कैसे बनाया है, सभी को एक जगह रख देते, एक ही क्लास रहता, एक ही फाइलम होता, एक ही किंगडम होता, हो भी सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम सबको एक ही जगह रखेंगे तो सबके कैरेक्टर क्योंकि अलग अलग होते हैं, ठीक है। अगर हम चिड़िया की बात करें या हम बाज की बात करें तो दोनों के कैरेक्टर अलग अलग है ना, ठीक है। आते वो बर्ड में हैं लेकिन कैरेक्टर तो अलग है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसी कारण इसमें क्लासिफिकेशन बनाया गया था, ठीक है। इसके बाद हमारे यहाँ से फैमिली, फैमिली मतलब क्या होता है, अरे परिवार। फैमिली को क्या कहते हैं, हमें पूछते हैं। जीनस होता है वंश, ठीक। फैमिली का मतलब क्या होता है, हम किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। जैसे हम लोग जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उसमें बहुत सारे ऐसे कास्ट होती है ना, कास्ट होती है, उसके बाद उसका सब नेम भी होता है ना, उसका जो मुख्य नाम है, जैसे प्रेम बहादुर सिंह है ना। तो इसमें क्या है, तीन चीज़ें आ रही हैं, फर्स्ट नेम आ रहा है, मिडिल नेम आ रहा है और लास्ट नेम आ रहा है, जो कि एक जो है वो स्पीसीज को डिनोट कर रहा है, किस फैमिली से वो बिलोंग करता है, वो किस फैमिली का मतलब क्या है, कैसे उसकी फैमिली है, वो हिंदू है या उसकी जो जाति है वो किस जाति का है ना। तो वो सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। जो लास्ट वाला होता है वो उसकी जाति को प्रदर्शित करता है ना। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें इसमें आती है, ठीक है। जो वंश है उसका वंश क्या है ना, है तो मान लीजिए वो यादव, लेकिन वो किस वंश से संबंधित है, यादव में क्या आता है, जैसे यदुवंशी होते हैं है ना, इस तरीके से। तो वो सारी इसमें वंश में आती है, और उसकी जाति क्या है, यादव। इसी तरीके से जितने भी एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं सभी को क्लासिफिकेशन इसी तरीके से किया जाता है। अगर हम इसका क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे तो किसी के कैरेक्टर के बारे में हम कोई भी चीज़ क्लियर नहीं कर सकते हैं कि वो किस तरीके का है, किस कैटेगरी में आता है, क्या करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये सारी चीज़ें करते हैं, समझिए। इसके बाद कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है क्लासिफिकेशन की, कैरेक्टर्स, ठीक। अब कैरेक्टर्स में जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक्स है, हमने इसके पहले जो फर्स्ट क्लास आपकी लगी थी तब भी हमने बताया था। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, जिसमें जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, वो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, एब्सेंट रहता है, ठीक है। जबकि जो हमारी यूकैरियोटिक सेल है उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप्ड होता है, ठीक है, पूरी तरीके से विकसित पाया जाता है केंद्रक। और क्योंकि उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में, इसके कारण जो उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जिसे हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं, ठीक है, तो वो भी प्रेजेंट नहीं होती है या कुछ डॉट डॉट स्ट्रक्चर में आती है, ठीक है, कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर में आती है, ठीक है, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में होता है। और इसके कारण जो हमारे और ऑर्गन हैं, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गॉल्जी का हो, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स हो, या हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो, वो भी एब्सेंट रहते हैं इसमें, इन प्रोकैरियोटिक सेल में, ठीक है, या प्रोकैरियोटिक कोशा में, ठीक। इसके एग्जांपल अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करें तो क्या क्या होते हैं, जो जीवाणु होते हैं मीन्स बैक्टीरिया, और जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं मीन्स नीले हरे शैवाल, ठीक है, वो इसके एग्जांपल होते हैं किसके, प्रोकैरियोटिक सेल के। और यूकैरियोटिक की हम बात करें तो यूकैरियोटिक में जो भी चीज़ें हैं जस्ट अपोजिट होती है प्रोकैरियोटिक की, मीन्स वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, पूर्ण रूप से विकसित केंद्रक पाया जाता है। और क्या होता है, इसमें जितने भी ऑर्गन होते हैं, जितने भी अंग होते हैं एक कोशिका के, सेल के, वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो गॉल्जी कॉम्प्लेक्स हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, राइबोसोम्स हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, सारे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक। और यूकैरियोटिक का अगर हम एग्जांपल कहेंगे तो जितने भी प्लांट हैं और जितने भी एनिमल हैं सारी चीज़ें इन यूकैरियोटिक सेल में आती हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। देखिए कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एक कोशिका के बने होते हैं, एक सेल के बने होते हैं, तो इस प्रकार के जो जीव जंतु होते हैं वो क्या कहलाते हैं, यूनिसेलुलर कहलाते हैं, ठीक है। जैसे अमीबा, अमीबा क्या है, एक यूनिसेलुलर एनिमल है,
ठीक है। अमीबा क्या है? एक यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय एनिमल होता है, ठीक है। और जिनकी जिनका स्ट्रक्चर बहुत सारी सेल से मिलकर बना होता है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, वो हमारे कहलाते हैं मल्टी सेलुलर, ठीक है। अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे समुद्र में पाया जाने वाला है साइकॉन है, या जो हम हमारी जो ह्यूमन बींग्स है या जितने भी और भी जीव जंतु हैं, वो सारे क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारी सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। इस तरीके के जैसे हमारे जो जितने भी जैसे आर्थ्रोपोडा संघ से हमने बताया, ठीक है, तो जो बिच्छू हैं या कॉकरोच है, जो भी चीज़ें हैं, वो सब कितने कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुत सारी सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब देखिए, जो भी जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी एनिमल हैं, सबका अलग अलग खान पान होता है ना। ज़रूरी नहीं, अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो तुम कुछ खा रहे हो, तुम कुछ खा रहे हो, है ना, कोई सेम नहीं होता है। इसी तरीके से अगर और गाय भैंस की बात करें या बकरी की बात करें तो सबका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग होता है, और किस तरीके से वो खाते हैं वो भी चीज़ डिफरेंस पाई जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आती है, ठीक। जैसे कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, प्लांट में क्या होता है, प्लांट को क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है ना, मतलब स्वपोषी, ठीक है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्लांट क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, है ना, मेक देयर ओन फूड, ठीक है, विद द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट, ठीक है। इसकी उपस्थिति में क्या करते हैं? वो लोग अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए वो क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉप्स या स्वपोषी कहलाते हैं, ठीक है। और ये अगर हम पूरी रिएक्शन कहें तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। तो इस तरीके से ये सारे प्लांट अपना न्यूट्रिशन करते हैं और एनिमल अपना न्यूट्रिशन करते हैं। जैसे अगर हम अमीबा की बात करें तो अमीबा की आकृति आपको मालूम है किस तरीके से होती है? उसका कोई भी आकार नहीं होता है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे अपना चेंजमेंट करता जाता है, ठीक है। तो अगर इसकी अगर हम कहें तो इसके पास जैसे ही कोई फूड पार्टिकल आता है तो वो क्या करता है? यहाँ से इसकी जो सेल है वो फट जाती है, फूड अंदर आ जाता है और वापस ये फिर से क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये अपना न्यूट्रिशन लेता है। ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हम लोग हाथ से खाते हैं, है ना, और मुँह में खाते हैं। इनका कोई भी मुँह है, मुख है, कोई भी इसमें माउथ नहीं होता है, है ना, ठीक है। जैसे जैसे चले, जहाँ भी फूड पार्टिकल आया, यहाँ मान लीजिए आ गया फूड पार्टिकल, यहाँ से इसकी जो सेल है वो फट गई, उसके जो भी है उसका भोजन था वो लिया और यहाँ से क्लोज हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हर एक में डिफरेंट टाइप का न्यूट्रिशन पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से चलती है, एक ऑर्गेनिज्म का, एक न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण किस तरीके से होता है, ठीक है। मतलब हमने ये कहा कि एक हमने बीज बो दिया, धीरे धीरे वो ग्रो किया, है ना, लेकिन बीज कैसे बना? वो भी तो एक प्लांट से ही आया, एक पौधे से ही आया, ठीक है। तो सबसे पहले किस चीज़ का निर्माण होता है ये चीज़ हम बता रहे हैं, ठीक। तो सबसे पहले इसमें क्या आता है? हमने बताया कि जो सेल होती है, बहुत सारी सेल होती है ना, ठीक है, एक चीज़ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं, ठीक है। और वो सेल, कई सारे सेल मिलकर किसका निर्माण करते हैं? हमने बताया था लास्ट क्लास, लास्ट चैप्टर में, टिश्यू वाले में, कई सारे सेल्स मिलकर या कई सारी कोशिका मिलकर एक टिश्यू का निर्माण करती है, ऊतक का, ठीक है। तो सेल का निर्माण हो गया, उसके बाद टिश्यू का निर्माण हो गया, ठीक है। टिश्यू का जब निर्माण हो जाता है, बहुत सारे, क्योंकि हमने टिश्यू आपको बताया है, मस्कुलर टिश्यू होता है ना, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, बहुत सारे टिश्यूज होते हैं, तो कई सारे टिश्यूज यहाँ मिलकर किसका निर्माण करते हैं? एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं, ठीक है। किसका निर्माण करते हैं? एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं, ठीक है। और कई सारे ऑर्गन आपस में मिलकर, ठीक है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गन आपस में मिलते हैं, तो वो ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं, ठीक है। और जब ऑर्गन सिस्टम का निर्माण हो जाता है पूरी तरीके से, तब जाके एक न्यू ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है, ठीक है, चाहे वो प्लांट में हो और चाहे एनिमल में हो, क्योंकि प्लांट में भी टिश्यू पाए जाते हैं, सेल पाए जाते हैं, है ना,
और ऑर्गन पाए जाते हैं, इसी तरीके से एनिमल भी पाए जाते हैं, ठीक। और लास्ट में क्या है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है, ठीक। तो ये ऑर्गेनाइजेशन होता है, किस तरीके से वो बनते हैं, किस तरीके से एक सेल का या एक ऑर्गेनिज्म का जन्म किस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आज की क्लास में है। ओके, हैव अ गुड डे।